हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं गुलाब जी, इन एक लेक्चर में आपका एक बार फिर से वेलकम और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे मैंने बहुत पहले अपडेट दिया था कि कोटा के अंदर पुराने नोट्स, क्वाइन के, सिक्के के एग्जीबिशन लगने वाले थे, जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है। दोस्तों, आज डेट है 8 मार्च 2024 और दिन है फ्राइडे। दोस्तों, ये एग्जीबिशन 3 दिन चलेगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, जिसका डेट होगा 8 मार्च 9 मार्च 10 मार्च 2024। यानी ये संडे को, 9 मार्च 10 मार्च को ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप कोटा मत आइएगा ना सोचिएगा, क्योंकि ये एग्जीबिशन 3 दिन के लिए लगा रहता है। बाकी आप देख रहे हैं, मेरे बहुत सारे व्यूअर आए हैं, सब्सक्राइबर आए हैं, और मैं बहुत सारे से अभी तक डील कर चुका हूँ। थोड़ा भीड़ की वजह से और प्लस यहाँ थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं और बहुत सारे व्यूअर हैं, सबसे यहाँ पर एक देखिए कलेक्शन लेके आए थे, तो इनका बहुत सारा कलेक्शन लेके आए हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, कुछ कलेक्शन अच्छा हो, कॉमन भी हो, तो शर्त है कि कंडीशन अच्छा हो। देखिए, बहुत सारे लेकर आए हुए हैं, मैंने इनसे लगभग 2000 के अराउंड बाइंग भी किया है और अभी देख रहा हूँ। और आपका क्या नाम हुआ सर? भूपेश भाना। भूपेश भाना किधर से आए? इधर देख कर बोले, एमपी से। अच्छा, एमपी से आए हैं। इनका अभी मैंने कलेक्शन अभी जस्ट देख रहा हूँ, तो ब्रिटिश क्वाइन है। तो ब्रिटिश क्वाइन में भी रेयर भी आते हैं, स्क्वायर भी आते हैं। ऐसा नहीं कि अंग्रेज के टाइम का जो क्वाइन है सब रेयर ही होता है, ऐसा नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये 2 आना क्वाइंस है, येलो कलर का। तो इसमें एक 44 जो आता है ना, लाहौर मिंट रेयर होता है। अगर इसमें 44 हो, लाहौर हो 2 आना में, तो थोड़ा महंगा उसका कीमत होता है, UNC में सबसे अच्छा कीमत होता है। अच्छा सर, आपका क्या नाम हुआ आप बताइए? आप बहुत देर है। रमाकांत शर्मा। रमाकांत शर्मा जी है। आप कहाँ से है? बेसिक ग्वालियर MP से। और रहते कहाँ? यहीं रहते हैं। कितने दिन से कलेक्शन करके लाएँ? अच्छा, 6 महीना से कलेक्शन करके लाएँ और बोले मैंने आप ही का वीडियो देखा तभी किया, ऐसा ही बोला ना आपने? अच्छा, आने के बाद फ़ायदा हुआ या नुकसान, ये बताइए साहब। तो आप कुछ व्यूअर को बताएं कैसा कलेक्शन लेकर आए, जैसे आपने लाए हैं, मुझे सेल किए हैं, तो व्यूअर को भी तो लगना चाहिए कि जी आधार पे आपको नॉलेज बढ़ेगा, उस आधार से आप कलेक्शन करना। अब मेरा YouTube चैनल है GNA कलेक्शन, ठीक है, एक ही मेरा YouTube चैनल है। Facebook पे, YouTube पे GNA कलेक्शन, Facebook पे है GNA_collection4262 और Instagram पे है GNA_collection4262। इसके अलावा कोई भी मेरा चैनल नहीं है। बहुत सारा ऐसा फेक है, फ्रॉड है, जो मेरा वीडियो को क्या करता है, एडिट करके अपना आवाज़ डाल के गलत इन्फॉर्मेशन देता है। दोस्तों, मेरे किसी भी वीडियो में मोबाइल नंबर नहीं होता है। अगर किसी वीडियो में मेरा चेहरा दिखे और मोबाइल नंबर दिखे तो समझना वो फ्रॉड है, वो मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे आवाज़ बदल के भी लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, नए नए लोग हैं, सीधे साधे हैं। पैसा तो आपको हर किसी को प्यारा होता है, तो मेरा बार बार मेरा यही वीडियो बनाने का अर्थ होता है आप अच्छा कलेक्शन। ये यहाँ से यहाँ मेरा स्टॉल है, तो मेरा भी मैं भी कलेक्शन है। ये आप देख लीजिए मेरे स्टॉल पे, नोटों का हो, सिक्कों का, कैसा कलेक्शन होता है, यानी जो भी कलेक्शन है वो अच्छा होता है। एक बार मैं थोड़ा व्यू दिखा दे रहा हूँ, ये कोटा का, ये इंडिया का लगभग बहुत बड़ा एग्जीबिशन है, आप देख लीजिए। बहुत बड़ा एरिया में 200 स्टॉल लगे हुए, 200 आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना दूर में है, इंडिया के कोने कोने से डीलर सब आए हुए हैं, बायर आए हुए हैं, और यहाँ पे हमारे जो है सारे सब्सक्राइबर आए हुए हैं। तो मेरा मेन मकसद है वीडियो बनाना, ऊपर वाले ने नॉलेज दिया है, मैं चाहता हूँ मेरा वीडियो के थ्रू जो भी लोग जाने वो गलत फहमी का शिकार ना हो, गलत नॉलेज का शिकार ना हो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आज वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, एक और वीडियो मैंने मॉर्निंग में बनाया है, तो फिर कल मिलते हैं। कल एग्जीबिशन का दूसरा दिन है और मेरा स्टॉल नंबर इधर दिखा दीजिए, मेरा स्टॉल नंबर है 142। आप जैसे एंट्री गेट में लेफ्ट साइड में इंटर करेंगे, मेरा आपको स्टॉल दिख जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिनको पहुँचे लगता है कोटा में मैं आ सकता हूँ, अच्छा कलेक्शन है, तो मोस्ट वेलकम, मेरे स्टॉल पर विजिट करें, बेस्ट प्राइस में मैं बाइंग करूँगा। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। GNA कलेक्शन की तरफ से आप लोग का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।